श्री ब्रह्म देवता कृता श्री राम स्तुति। ब्रह्मा जी ने भगवान श्री राम जी की स्तुति की। वंदे देवं विष्णुं शेषस्थिति हेतुं त्वामध्यात्मज्ञानिभिरंतर हृदि भाव्यं हे आहेय द्वंद्वविहीनं परमेकं सत्तामात्रं सर्वहृदिस्थं दृशिरूपम्। ब्रह्मा जी बोले, जो संपूर्ण प्राणियों की स्थिति के कारण आत्मज्ञानियों द्वारा हृदय में ध्यान किए जाने वाले त्याज्य और ग्राह्य रूप द्वंद्व से रहित सबसे परे अद्वितीय सत्ता मात्र सबके हृदय में विराजमान और साक्षी स्वरूप हैं, उन आप भगवान विष्णु देव को मैं प्रणाम करता हूँ। प्राणापानो निश्चय बुद्ध्या हृदिरुद्ध्वा छित्त्वा सर्वं संशयबद्धं विषयौघान् पश्यन्ति शम्यं गतमोहायतयस्तम् वंदे रामं रत्नकिरीटं रविभासम्। मोहहीन सन्यासी गण निश्चित बुद्धि के द्वारा प्राण और अपान को हृदय में रोक कर तथा अपने संपूर्ण संशय बंधन और विषय वासनाओं का छेदन कर जिस ईश्वर का दर्शन करते हैं, उन रत्न किरीट धारी सूर्य के समान तेजस्वी भगवान श्री राम को मैं प्रणाम करता हूँ। मायातीतं माधवं आद्यं जगदादिं मानातीतं मोहविनाशं मुनिवंद्यं योगिध्येयं योगविधानं परिपूर्णं वंदे रामं रंजितलोकं रमणीयम्। जो माया से परे लक्ष्मी के पति सबके आदि कारण जगत के उत्पत्ति स्थान प्रत्यक्षादि प्रमाणों से परे मोह का नाश करने वाले मुनिजनों से वंदनीय योगियों से ध्यान किए जाने योग्य योग मार्ग के प्रवर्तक सर्वत्र परिपूर्ण और संपूर्ण संसार को आनंदित करने वाले हैं, उन परम सुंदर भगवान श्री राम को मैं प्रणाम करता हूँ। भावा भाव प्रत्ययहीनम् भवमुख्यैर्योगासक्तैर् अर्चित पादाम्बुजयुग्मम् नित्यं शुद्धं बुद्धमनन्तं प्रणवाख्यं वंदे रामं वीरमशेषासुरदावम्। जो भाव और अभाव रूप दोनों प्रकार की प्रतीतियों से रहित हैं तथा जिनके युगल चरण कमलों का योग परायण शंकर आदि पूजन करते हैं और जो नित्य शुद्ध बुद्ध और अनंत हैं, संपूर्ण दानवों के लिए दावा नल के समान उन ओंकार नामक वीरवर श्री राम जी को मैं प्रणाम करता हूँ। त्वं मे नाथो नाथित कार्य
अखिलकारी मानातीतो माधव रूपो अखिलधारी भक्त्यागम्यो भावित रूप भवहारी योगाभ्यासैर्भावित चेतः सहचारी। हे राम, आप मेरे प्रभु हैं और मेरे संपूर्ण प्रार्थित कार्यों को पूर्ण करने वाले हैं। आप देश कालाद मान से रहित नारायण स्वरूप अखिल विश्व को धारण करने वाले भक्ति से प्राप्य अपने स्वरूप का ध्यान किए जाने पर संसार भय को दूर करने वाले और योगाभ्यास से शुद्ध हुए चित्त में विहार करने वाले हैं। त्वामाद्यंतं लोकततीनां परमेशम् लोकानां नो लौकिकमानैरधिगम्यम् भक्ति श्रद्धा भाव समेतैर्भजनीयम् वंदे रामं सुंदरं इंदीवर नीलम्। आप इस लोक परंपरा के आदि और अंत अर्थात उत्पत्ति और प्रलय के स्थान हैं, संपूर्ण लोकों के महेश्वर हैं। आप किसी भी लौकिक प्रमाण से जाने नहीं जा सकते। आप भक्ति और श्रद्धा संपन्न पुरुषों द्वारा भजन किए जाने योग्य हैं। ऐसे नील कमल के समान श्याम सुंदर आप भगवान श्री रामचंद्र जी को मैं प्रणाम करता हूँ। को वा ज्ञातुं त्वाम् अतिमानं गतमानं मायासक्तो माधवशक्तो मुनिमान्यम्। वृन्दारण्ये वन्दित वृन्दारक वृन्दं वन्दे रामं भवमुखवंद्यं सुखकंदम्। हे लक्ष्मीपते, आप प्रत्यक्षादि प्रमाणों से परे तथा सर्वथा निर्माण हैं। माया में आसक्त कौन प्राणी आपको जानने में समर्थ हो सकता है? आप अनुपम और महर्षियों के माननीय हैं तथा कृष्ण अवतार के समय वृंदावन में अखिल देव समूह की वंदना करने वाले और राम स्वरूप से शिव आदि देवताओं के स्वयं वंदनीय हैं। ऐसे आप आनंद घन भगवान श्री राम को मैं प्रणाम करता हूँ। नाना शास्त्रैर्वेद कदम्बैः प्रतिपाद्यम् नित्यानन्दं निर्विषय ज्ञानमनादिम् मत्सेवार्थं मानुषभावं प्रतिपन्नम् वन्दे रामं मरकतवर्णं मथुरेशम्। जो नाना शास्त्र और वेद समूह से प्रतिपादित नित्य आनंद स्वरूप निर्विकल्प ज्ञान स्वरूप और अनादि हैं तथा जिन्होंने मेरा कार्य करने के लिए मनुष्य रूप धारण किया है, उन
मरकत मणि के समान नील वर्ण मथुरा नाथ भगवान श्री राम को मैं प्रणाम करता हूँ। भक्तों, यहाँ पर ब्रह्मा जी ने भगवान श्री राम को मथुरा नाथ कहकर श्री राम और कृष्ण की अभिन्नता प्रकट की है। श्रद्धायुक्तो यः पठति मम स्तवमाद्यम् ब्राह्यं ब्रह्म ज्ञान विधानं भुविमर्त्यः रामं श्यामं कामित काम प्रदमीशं ध्यात्वा ध्याता पातक जालैर्विगतः स्यात्। इस पृथ्वी पर जो मनुष्य इच्छित कामनाओं को पूर्ण करने वाले श्याम मूर्ति भगवान राम का ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी के कहे हुए इस ब्रह्म ज्ञान विधायक आद्य स्तोत्र का श्रद्धा पूर्वक पाठ करेगा, वह ध्यानशील पुरुष संपूर्ण पाप जाल से मुक्त हो जाएगा। जय सियाराम। इति श्रीमद् आध्यात्म रामायणे युद्धकांडे त्रयोदश सर्गे श्री ब्रह्म देवता कृता श्री राम स्तुति संपूर्णा।